हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ बहुत बढ़िया ही होंगे। एंड धन्यवाद फर्स्ट ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो उसी के चक्कर में आज हम बनाने जा रही है सेकेंड ब्लॉग। तो आज है महालया का दिन, जो बंगाल में रहता है उनको पता होगा महालया दुर्गा पूजा के आगे आता है। एंड आज हम जाने वाले डायना रिवर। बहुत सुबह सुबह उठ गया एंड अभी टाइम बच गया कुछ 5:16 बज चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोकस ले ले 5:16। तो अभी निकल जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्त लोग आ गया है एंड वो लोग फ़ोन कर रहा है। ये मेरा स्कूटी है देख सकते हैं, तो निकल पड़ते हैं जल्दी से एंड आपको नज़ारा दिखाते हैं कैसा है एंड कैसा एक्सपीरियंस रहता है सुबह सुबह। तो ठंडा शायद लग सकता है, इसीलिए मैंने स्वेटर शर्ट और अंदर एक शर्ट पहन लिया है। तो अभी निकल पड़ते हैं। गाइस हम लोग निकल चुके हैं। सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा सा ठंड लग रहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे। एंड भाई लोग भी अपना आ रहा है, फ़ोन कर दिया है वो लोग भी। वो लोग से मुलाकात होगा मेरा एथलबाड़ी पे। एथलबाड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर जैसा है। गाइस यहाँ पे हम एथलबाड़ी पहुँच चुके थे एंड भाई लोग भी पहुँच चुका है यहाँ पे, निकल चुके हैं, हम भी निकल लेते हैं। चल तो गाइस टाइमिंग बहुत बढ़िया हो चुका है यहाँ पे। टाइमिंग बढ़िया हुआ ना भाई, एकदम मस्त। जब वो लोग पहुँचा मैं भी एकदम करेक्ट पहुँच चुका था भाई। ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत यार। बहुत दिन बाद आज सुबह सुबह निकला है एंड ये भाई लोग है सभी। और ये भाई तो यहाँ पे हाफ शर्ट पहना है यार, जिगरा देखो इनका, हमको तो ठंडा लगता है। तो और दो भाई, चार भाई यहाँ पे है, दो बाइक पे। भाई दिखा दे इनको भी जरा। गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी तेलीपाड़ा एंड यहाँ पे चेक पॉइंट है हमारा तेलीपाड़ा का। यहाँ पे पुलिस टुलिस चेक चुका है सुबह सुबह, एकदम पुलिस यहाँ पे चेकिंग भाई रेडी हो चुका है। तो हम इधर से लेने वाले हैं राइट विन्नागुड़ी के तरफ, क्योंकि डेस्टिनेशन इसी साइड है। तो हम ले चुके हैं राइट, ये जगह का नाम है तेलीपाड़ा। देखिए आप जस्ट रोड देखिए भाई, कितना बेहतरीन रोड बना के रखा है। तो देखिए आप जस्ट व्यू देखिए एक बार, दोनों तरफ यहाँ पे, एक तरफ चाय बगान है, एक तरफ खुला मार्ट है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ये SSC GT का सीज़न आ गया, इसी के चक्कर में सभी दौड़ता है अब, लड़का लड़की एवरीवन। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी लड़की लोग है। और हमारे उधर तो कोई नहीं निकलता ये टाइम पे, सब सोया रहता है। एंड इस साइड देख रहे हो, मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहा है सभी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा देख के। तो गाइस हम अभी पहुंचने वाले हैं विन्नागुड़ी एंड ये जगह पे हम पहुंच चुके हैं। ये है ST James School, विन्नागुड़ी का एक नामी दामी स्कूल है, एक ST James School, देख पा रहे होंगे आप, बहुत बड़ा स्कूल है ये। एंड बहुत कोई हमारे उधर का भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है एंड कुछ स्टूडेंट्स अभी डिवाइडेड हो गया, दिल्ली पब्लिक में भी जाता है। एंड ये भी है अभी तक बहुत बढ़िया चलता है ST James School। तो गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं विन्नागुड़ी पे एंड दुकान देख सकते हो आप, कुछ भी दुकान नहीं खोला है, एक भी दुकान नहीं खोला है। बहुत यहाँ पे निकले हैं एंड दुकान सुकान ज़्यादा नहीं खोला है। ओनली यू सीइंग द डॉग्स, जहाँ भी देखो बस कुत्ते दिख रहे हैं सुबह सुबह। यार वो लोग तो बहुत जल्दी जग जाता है शायद, इसीलिए उनको ही बस दिख रहा है। एंड हमारा भाई लोग आगे पहुंच चुका है, हमको भी थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। तो वेदर तो बहुत बढ़िया है, उतना ठंड भी नहीं लग रहा है, एकदम मस्त वाला। गर्मी तो अभी तो लगना बंद हो जाएगा क्योंकि अक्टूबर का महीना है। हे ब्लडी काउ। तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो चाय का बगान है
बहुत बढ़िया चाय बागान दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये रास्ता से जाता है हमारा बिनागुड़ी स्टेशन, स्टेशन थोड़ा सा इस साइड है एंड ये रास्ता से जाना पड़ता है। एंड आप जस्ट रोड का व्यू देखिएगा कितना बढ़िया लगता है, एकदम मस्त। तो आप देख सकते हैं इधर मोराघाट कॉलेज है। तो गाइस यहाँ पे एक चौपटी का जैसा है एंड इस साइड से हम अगर जाए तो हम गोरखाटा निकल जाएंगे इधर से हल्दीबाड़ी होके, एंड मोराघाट कॉलेज भी वही रास्ते से जाता है। एंड इस वसूल वाला सीन है भाई, क्या बोलता है, पैसा वसूल वाला सीन, एकदम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मतलब बहुत कमी दिखता है ये रास्ते के सामने ऐसा ट्रीस, बराबर ट्रीस, क्योंकि हर जगह तो काट दिया गया है ट्रीस को एंड बहुत कम अब दिख जाता है। डायना ब्रिज, तो हमारा डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं एट लास्ट। तो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे डायना ब्रिज पे, बहुत ही बढ़िया सीन। एंड ये है हमारा भाई लोग, तो भाई लोगों से ज़रा इंट्रोड्यूस कर लेते। तो रोड बहुत बढ़िया है, मस्त है, आप देख सकते हैं रोड एकदम बढ़िया। एंड डायना ब्रिज आप लोग देख लीजिए, हमारा दोस्तों के साथ मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। लोग है भैया लोग से पहला मुलाकात, भैया क्या नाम है आपका? हाँ तो हाई कर दीजिए। एंड ये भैया से भी पहला बार मुलाकात हुआ, पहले तो नहीं देखा था। हाँ तो भाई ये लोग तो अपना भाई लोग है, स्कूल फ्रेंड है। ये भाई हमारा मनोज नाम है एंड मिथुन, एंड ये भाई भी हमारा यूट्यूबर है भाई। ये भी हमारा भाई है, हमारे साथ आया है भाई, नाम बता दे, हाई कर दे। हाँ हाई कर दे जरा। एंड ये भाई लोग हमारा कुछ फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। एंड ये डायना ब्रिज, ये जो कैमरा पकड़ा है वो है जॉय भाई हमारा। एंड इधर एक हमारा मॉडल खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप मॉडल को। गाइस हम पहुंच चुके हैं डायना ब्रिज पे, ये हमारा डायना ब्रिज है। तो ब्रिज को आप लोग देख सकते हैं एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये ब्रिज, मस्त। सुबह सुबह का टाइम है, धूप नहीं है एंड यहाँ से पहाड़ भी दिखता है। ट्रेन का भी ब्रिज है, बहुत बढ़िया मस्त दिखता है, पानी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यार पानी यहाँ पे, देख सकते हैं कितना है यार। आगे जो नज़ारा है ना, मतलब दोनों साइड बस ट्री से बहुत बेहतरीन बढ़िया लगता है। तो गाइस हमने बहुत सारा फ़ोटो उठा लिया है, तो आपको ये फ़ोटो सब देखने के लिए मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आपको फ़ोटो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई देख सकते हैं ब्रिज पे अभी पैदल जा रहे हैं एंड ब्रिज का नीचे जाने का बात है। क्योंकि अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट दिखाइए यार। तो भाई देख सकते हैं मेरे साथ पैदल जा रहा है भाई, बाकी सब छोड़ के चला गया हम लोगों को। देखिए बहुत दूर पहुँच चुका है ये लोग एंड हम लोग भी उधर ही जाने वाले हैं। गाइस यहाँ पे उतरने के लिए भी बहुत बढ़िया
एक सीढ़ी बना के रखा है। ये बहुत पुराना हो चुका है, ये भी सेट का टूटने वाला है। कोई सेट का तो पूरा टूट गया है। अई अई अई, ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। एंड ऊपर देखिए, रोड से हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस एट लास्ट हम नीचे आ चुके हैं। हमारा भाई लोग यहाँ पे फोटोशूट भी फिर से चालू कर चुका है। एंड देखिए चारों ओर बस आपको ये नदी का ये इलाका मिलेगा, क्योंकि नदी कभी कभी इस साइड से जाता है, कभी कभी इस साइड से जाता है। तो गाइस हमारा कुछ भाई लोग मिल चुका है फिर से। ये लोग भी उधर का ही है, हमारा बीरपारा का है, बहुत स्कूल फ्रेंड है भाई लोग। ये हमारा तपस भाई भाई, गले मिल। एंड सैंथन भाई है, सही बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। लाइक शेयर सब करो भाई, सही बोला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से, लाइक नहीं किया है तो। और एक भाई हमारा है नदी पे, यहाँ पे उतरने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है वो। अरे भाई भाई, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये अरे भाई आजा इधर, क्यों भाग रहा है तू? व्हाई आर यू रनिंग मैन? हेलो भाई, वो थोड़ा शर्म लग रहा है उसको, इसीलिए नहीं आ पा रहा है। एंड ये लोग भी हमारा भाई ही है। 12 seconds later. तो गाइस हम अभी जाने वाले हैं, देखिए सब निकल पड़े हैं। हमारा ये भैया है, एंड तो मित्र हमारा गाड़ी चला रहे भाई। जाए ताले टाटा टाटा, थैंक यू भाई। निकलने वाले हैं, सारे बंदे आगे चले गए, मेरे को भी जाना पड़ेगा। एंड कुछ भाई अभी तक पीछे है। एंड फिर से जॉय भाई के साथ पैदल जाना पड़ रहा है, जॉय भाई ने हेलमेट लगा लिया है। तो चलते हैं, जाते वक्त का सीन आपको दिखाते हैं। अभी चाय पी के जाना पड़ेगा, सुबह सुबह का टाइम है। एंड बहुत अच्छा लगा आज निकल के, बहुत दिन बाद आज निकला है। महालय का दिन था, इसीलिए सब लोग घूमता है, बहुत कुछ जगह जाता है। एंड आज किस्मत था, इसीलिए भाई लोग से भी मुलाकात हो गया है यहाँ पे। बीरपारा का भाई लोग है ये लोग भी। तो रोड के अंदर फिर से वापसी हो चुका है हम लोगों का, पीछे गाड़ी है भाई। चलो फिर से रोड के ऊपर हम आ चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं तेलीपारा के अंदर। एंड यहाँ पे चाय का दुकान पे हम रुके हैं, यहाँ पे चाय पियेंगे मस्त सा। तो गाइस हमने यहाँ पे चाय पी लिया है, अभी निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तभी का वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था। एंड अभी तेलीपारा पे है, यहो टी पे हमने चाय पिया है, यहाँ बहुत बढ़िया है। एंड अभी निकल जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये भैया लोग भी है, भैया लोग भी जाएगा। आप सब यहाँ पे बैठा है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है ये भैया हमारे साथ। तो अभी जाना पड़ेगा भाई। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलना
हाँ भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए अपने भाई को। तो अभी निकलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और एक ब्लॉग पे। अभी तो दुर्गा पूजा आने का है, दुर्गा पूजा पे आपसे डायरेक्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी तो दूसरा ब्लॉग नहीं आएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ़।